बैंक के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के जीत का किया दावा, रोजगार और दवाई को एक बार फिर से बताया चुनावी मुद्दा। बीजेपी सांसद जफर इस्लाम ने किया NDA की जीत का दावा, राजद और कांग्रेस पर बोला जमकर हमला। मुंगेर गोलीकांड मामले की CBI से जांच की मांग, बिहार सरकार से निष्पक्ष जांच की गुहार। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। पूर्व उप मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की जीत का दावा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की विदाई तय है। वहीं तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री राम वाले बयान पर पूछे जाने पर कहा कि वो बिहार चुनाव का मुद्दा नहीं है, बिहार चुनाव का मुद्दा बेरोजगारी, रोजगार, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई है और बात इन्हीं मुद्दों पर होनी चाहिए। घटना की निंदा हमने की भी है और करते भी हैं। लोकतंत्र में विरोध करने का और भी तरीके हैं, मतदान से भी आप विरोध कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो हैं, घटना को अंजाम जिन्होंने भी दिया है, हम उनसे अपील करेंगे कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप इसकी निंदा हम करते हैं, कोई भी साजिश कहता रहे हमारा ये काम नहीं है, हम मुद्दे की राजनीति करते हैं। सीमांचल के तीसरे चरण में NDA की दावेदारी पर बीजेपी सांसद और प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा कि पहले दो चरण में जिस तरह से वोटिंग हुई है उससे साफ है कि NDA की सरकार आ रही है। वहीं उन्होंने राजद के साथ साथ महागठबंधन पर भी जमकर हमला बोला। जफर इस्लाम ने कहा कि कांग्रेस का वजूद अब खत्म हो गया है, वह किसी के सहारे ही चल रही है। बता दें कि मौके पर उन्होंने राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि जैसी हालत समाजवादी पार्टी की UP में हुई है वैसी ही हालत बिहार में राजद की होगी। भय का जो माहौल RJD क्रिएट किया था 15 साल पहले, वो आज भी लोगों के दिमाग में तरोताज़ा है। जिस तरह से रंगदारी होती थी, डकैती होती थी, करप्शन होता था, क्राइम होता था, वो अब ख़त्म हो गया है। लोग अमन की ज़िंदगी गुजारते हैं यहाँ पर, और इसलिए प्रदेश के हर जनता चाहती है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव जी के सभा में एक भी महिला नहीं जा पाती, उससे समझ में आता है कि महिलाएं यहाँ पर उनके राज में तो सेफ हो ही नहीं सकती, और इसीलिए महिलाओं ने भरपूर चढ़ के वोट दिया है। और मुझे मुंगेर गोलीकांड को लेकर बिहार में लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर तरफ इस घटना को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग तेज होती जा रही है। इधर इस वारदात में मोकामा का नाम जुड़ने से लोगों ने CBI जांच की मांग की आवाज बुलंद की है। मोकामा के हाथीदह में प्रबुद्ध जनों ने बिहार सरकार से निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। लोगों का मानना है कि इस गोलीकांड में पीड़ित को उचित न्याय मिलना चाहिए। मुंगेर की घटना से हम लोग का प्रेरित हैं, हिंदू समाज दुर्गा पूजा के विसर्जन में जिस तरह का व्यवहार प्रशासन द्वारा नीतीश सरकार जी के द्वारा किया गया है उसके लिए घोर निंदा करते हैं। सरकार से इतना ही अनुरोध है मेरा कि CBI जांच की जाए। और मुंगेर घटना पर हम यही मांग करना चाहते हैं कि जिस तरह से मुंगेर में बरसों से चली आ रही परम्परा ज्योति मूर्ति विसर्जन का, तो उसके लिए प्रशासन जो इस तरह का व्यवहार जो किया वहाँ के लोगों के साथ, मतलब नवयुवक हमारे थे, कुछ बच्चे थे, उन लोगों के साथ ऐसा जो अप्रत्याशित घटना की गई, इसका हम घोर निंदा करते हैं। मुंगेर की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सिर्फ हिंदुत्व की बात नहीं है, ये मानवता के भी खिलाफ है। एक भक्त परंपरा चली आ रही थी मुंगेर में विसर्जन की, इसके साथ छेड़छाड़ करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन आपके हाथ में था, प्रशासनिक आप व्यवस्था करते। ये अकारण जिस तरह से दिखाया गया है, वीडियो जो वायरल हुआ है, जो देखे हैं किस तरह से भेड़ बकरी की तरह पीटा गया है भक्तों को, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत शर्मनाकपूर्ण है। राष्ट्रीय जन विकास पार्टी सुप्रीमो दुर्गेश कुमार नंदन ने शायर मुन्नवर राणा के बयान का समर्थन किया है। आपको बता दें कि मुन्नवर राणा एक शायर हैं और उन्होंने बीते दिनों एक बयान दिया था जिसको लेकर सियासत में घमासान मचा हुआ है। मगर इसी बयान का दुर्गेश कुमार नंदन ने समर्थन करते हुए कहा कि यह बयान कहीं से भी विवादित नहीं है, इसे भारतीय जनता पार्टी विवादित कर एक मुद्दा बना रही है। कि किसी भी हिंदू देवी देवता का भी यदि अपमान होता है तो वैसी स्थिति में मैं जो हूं एक सच्चा मुसलमान होने के नाते उस व्यक्ति का कत्ल कर दूं। संवैधानिक दृष्टि से BJP जो है यह कह रही है कि संविधान की दृष्टि से मुनव्वर राणा ने यह गलत बात कही।
और मुनव्वर राणा जो हैं वो सांप्रदायिकता को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पर बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि यदि मुनव्वर राणा ने हिंदू देवी देवताओं के सम्मान के लिए किसी का कत्ल करने की बात कही तो कहीं ना कहीं वो भी तो हिंदुत्व का समर्थन कर रहे हैं। फतुहा के किसमिरिया गांव में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर एनडीए के पक्ष में वोट देने का दबाव बनाया। जब पीड़ित पक्ष ने एनडीए को वोट नहीं देने का निर्णय बताया तो दूसरे पक्ष के लोगों ने दो लोगों को मारपीट कर जख्मी कर दिया। पीड़ित पक्ष के किशोर राम ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वही दोनों जख्मी युवकों का इलाज PSC में कराया जा रहा है। वोट के चलते हुआ क्या मामला क्या है? वोट हम लोग लालू सरकार के देने के लंटेन छापर हाँ। वो लोग बोलता है कमल छापर का। कौन है बोलने वाला ऐसा? ये शैलेश है, धनवीर है। अच्छा, विदुर है। तो आप यहाँ थाने पे आए हैं कंप्लेन करने के लिए? बिहार विधानसभा और मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने बड़ा सियासी बयान दिया है। मोकामा में युवा भाजपा नेता शशि शंकर शर्मा ने मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों पर अजय बहुमत से जीत का दावा करते हुए बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने का दावा किया है। मोकामा में मीडिया से मुखातिब युवा भाजपा नेता ने कहा कि बिहार में विकास कार्यों को और तेज करने के लिए पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। जो भरतवंशी हैं, जो देश का विकास चाहते हैं, जिनकी राष्ट्रवादी सोच है, वो राष्ट्रवादी सोच का इस बार भी जीत है। और निश्चित रूप से 28 विधानसभा पर जो उपचुनाव मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए शतकीय पारी खेलेगा भाजपा। वहाँ 28 का 28 सीट भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत रहे हैं और वहाँ अजय बहुमत भाजपा को मिलने वाली है। समस्तीपुर जिले में बिहार विधानसभा चुनाव होने के बाद ईवीएम जमा करने के दौरान प्रेजाइडिंग ऑफिसर की तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद समस्तीपुर कॉलेज मतगणना केंद्र से एम्बुलेंस से सदर अस्पताल उन्हें भेजा गया। इसी दौरान उस ऑफिसर की मौत हो गई। अभी विनोद कुमार राय जो पूसा के हरपुर के निवासी थे, पूसा एग्रीकल्चर के मुर्गी फार्म में वो कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे, हसनपुर के विधान में उनको बूथ पर प्रेजाइडिंग ऑफिसर के रूप में थे। चुनाव संपन्न होने के बाद समस्तीपुर कॉलेज पर जब ईवीएम जमा करने आए उस समय इनको कलेजे में जोड़ की दर्द हुई। तत्काल इन्हें बेहतर इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेजा गया। यहां स्थिति गंभीर देखकर के दरभंगा रेफर किया गया। भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए एनडीए की जीत का दावा किया है। मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार में विकास हुआ है और इसी विकास पर जनता एनडीए के पक्ष में वोट कर रही है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर सवाल पूछे जाने पर कहा कि विपक्ष भी मेहनत कर रहा है और लड़ने का मजा तभी आता है जब विपक्ष काबिल हो। भरोसा जगा है और एनडीए की सरकार ने जिस तरह से काम किया है तो हम लोग घूम रहे हैं, पूरे बिहार में ही घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि लोगों का भरोसा है, विश्वास है और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई। विपक्ष कितना मजबूत है? कांग्रेस का रहे सीमांचल हमारा है, सीमांचल में हमारे सामने कोई नहीं है। वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वर्तमान के मुख्यमंत्री अब दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वहीं उन्होंने एक बार फिर से लोजपा और भाजपा के मजबूती पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस बार कोई वोट बैंक या कोई समीकरण काम नहीं आएगा। इस चुनाव में विकास के नाम पर जनता वोट करेगी लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कभी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए, अब तो जहाँ तक भाई लोजपा भाजपा की बात रही तो हम लोगों की मजबूती तो खैर पूरी तरीके से रहेगी, बट मौजूदा मुख्यमंत्री अब दो चरणों ने कम से कम इतना तो स्पष्ट कर दिया, उसमें तो कहीं कोई संख्या कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि मौजूदा मुख्यमंत्री कभी दोबारा प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन रहा। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।